मर्जी की शिकार थी, लेकिन अब हमारे हाथ में कानून की तलवार है और वो तलवार है तलाक। मनोरमा देवी, तुम्हें तलाक लेना चाहिए अपने पति से, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। वो जुल्म करता जाए और तुम बर्दाश्त करती जाओ, कहाँ का इंसाफ है ये? भगवान के लिए जरा धीरे बोलिए, लड़कियाँ सुन रही है। जाओ तुम लोग अपने अपने क्लास में जाना, यहाँ से हो। मिस इंदु, ये आवाज दरवाजा बंद करने से बंद नहीं हो सकती। जी हाँ, लेकिन आपके छुप रहने से बंद हो सकती है। ये सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं मिस इंदु, ये इन सब लड़कियों की आवाज है, सब औरतों की आवाज है। और एक दिन तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मर्दों के जुल्मों का यही जवाब है। ये कोई जवाब नहीं, ये तो नासमझी है। माफ कीजिए, लेकिन स्त्री पुरुष के झगड़े का जवाब है समझौता, समर्पण। समझौता और समर्पण पुरानी भाषा है। तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा कि मर्द के साथ क्या सलूक करना चाहिए। समझौता, समर्पण, त्याग, प्रेम, शादी से पहले ये बातें समझ में नहीं आती है मैम साहब। जाओ जाओ, तुम अपना संगीत सिखाओ जाकर। बहनों, तुम्हारी नन्ही नन्ही जिंदगियां भी इन फूलों की तरह कोमल है। आज मैं तुम्हें वो संगीत सिखाऊंगी जो तुम्हारा जीवन संगीत बन सकेगा, जो तुम्हारे जीवन को सरस, सुंदर और सुखद बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा से तुम्हारा, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का और सारे संसार का कल्याण हो सकता है। Thank you.
घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनियादारी। तुम उस देश में जन्मी हो, इस देश में जन्मी थे पिता। तुम उस देश में जन्मी हो, इस देश में जन्मी थे पिता। तुम उस देश की कन्या हो, जिस देश में गूंज रही गीता। भी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना। जीवन में तुम चिन्हदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनियादारी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, मत करना मन को भारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। होती तो मैं जाने मेरा क्या होता। लेकिन बेटी मुझे तेरी बड़ी चिंता। बाबूजी, मैंने कितनी बार समझाया आपको कि मेरे जीते जी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, आप ही तो कहा करते हैं कि मैं आपकी लड़की नहीं लड़का हूँ, ये लीजिए। अरे ये क्या, तू तनख्वाह ले आई और मुझे क्यों दे रही है, तू रखता अपने पास। अरे नाराज हो गई, ला थोड़े से रख लेता हूँ, सबका चंदा वंदा दे रहा है, कुछ रख। बेटी आज नीचे का मकान मांगने वालों ने मुझे तंग कर दिया, जैसे कोई मैं ही मकान मालिक हूँ। शहर भर के छड़े मलंग एक तरफ और मैं एक तरफ, देखता हूँ कैसे लेते हैं मकान। भाई तुम लोगों में ये बहुत बुरी बात है, गली को साफ रखोगे और घर में कूड़ा इकट्ठा करोगे। अरे बदतमीज होते हैं ये ऊपर रहने वाले। क्या कहा, कौन बदतमीज होते हैं साहब? अच्छा तो आप ही रहते हैं ऊपर?
कुछ इतराज है आपको? जी नहीं, लेकिन आप लोगों पे कूड़ा करकट क्यों फेंकते हैं? जी हाँ, अभी तो लोग कूड़ा करकट फेंकने की जगह खड़े क्यों होते? मैं पूछ सकता हूँ आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए? जरूर पूछ सकते हैं, हमने सुना है कि ये नीचे का मकान खाली है। जी हाँ। अच्छा, तो आपको भी मकान की तकलीफ है? मैं अभी हाजिर हुआ। हाँ, तो पहले ये बताइए, घर आपको चाहिए या आपको? जी आपको, मेरे पास तो घर भी है और घरवाली भी। ज्यादा तुम्हें किसी ने बहका दिया? जी यानी मकान खाली नहीं? खाली तो है मगर बेहद मनहूस है। मनहूस? हाँ, देखिए ना, एक साहब आए तो उनकी नौकरी छूट गई, और दूसरे साहब आए तो उनकी घरवाली चल बसी, और तीसरे साहब आए तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? किसी से कहिएगा नहीं, वो खुद मर गए। और वैसे भी क्या आराम है, गर्मी में छत टपकती है, बरसात में धूप पड़ती है, नहायत गड़बड़ है, और पानी की तो सख्त तकलीफ है। ये समझ लीजिए ऊपर का नल खोल दें तो एक बूंद नीचे पानी नहीं आए। आप लोग किस झंझट में पड़ रहे हैं, मैं तो खुद पछता रहा हूँ। अरे तारा, दरवाजा बंद कर दे। अजी साहब आप खड़े क्यों हैं? इधर जाइए, वहाँ छज्जू मल का छत्ता है, बहुत से मकान मिलेंगे, बहुत मकान मिलेंगे। जय राम जी। अजीब बदतमीज लोग हैं, केले खा लेते और छिलके फेंक देते और ऊपर से हंसते। तो दांत निकाल रहे साहब आप? जी आप इनको केले के छिलके फेंके दे। ठीक है, मेरा छिलका खाना भी बन गया, आप तो नहीं निकले। दो पैसे का अखबार पढ़ेंगे और मोहल्ले भर से रोज जाएंगे, और साथ टीवी को भी कनेक्शन बना रहे। क्या है? मैंने कहा 9:30 बज गए और बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। वो तो हमेशा देर से आते हैं। मंगल आ गया तुझे लेने? नहीं, आज तो अभी तक वो भी नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। अरे तो अकेले कैसे जाएगी तू? जहाँ वो काम करते हैं ना बहन जी, वहीं चली जाऊंगी। फैमिली प्लानिंग सबके घर। अच्छा, मैं खिला दूंगी बाबूजी को। ठीक है, सुबह जल्दी आना तारा। अच्छा। अरे वाह, आज कल ही आ गई। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, एक मिनट में आया। जरा मालकिन से पूछूं। ओहो, कैसे खुशहाल हो सकता है देश, कैसे बेकारी दूर हो सकती है देश की। रवि जी, एक मरता है 10 पैदा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ देश की आबादी। हाँ हाँ, बच्चे औरों का पैदा होते हैं इसलिए होती है, जैसे कि सारों को खिलाने का जिम्मा ही चाहिए। अरे भाई सरकार पर तो है। अरे तो सरकार फिक्र करे, तुम तो फिक्र करते हो। सरकार कौन है? तुम और हम। जनता का राज है मेम साहब, जनता का राज है। बाबू साहब, बच्चे भी जनता के ही पैदा होते हैं, तुमको दिमाग खराब कर रहे हो। मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा, तुम जैसे पागलों का इलाज करना चाहता हूँ। मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, पागलों के सींग होते हैं। अजी कमाल है यार, तुम तो झगड़ा ही करने लगे। मैं जिस बात को समझती नहीं उसमें भी टांग आती है। क्या गलत कहा मैंने? अरे सही क्या कह दिया तुमने? अरे तुम ही खामोश रहो। ये चुप करा, ये चुप करा। अच्छा तो दो लाठियां पकड़ लो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं यार, कहाँ जाता, अभी 11 ही तो बजे। होटल ही तो जाना है तुम्हें, बैठो ना। अरे मंगल, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? मैं जाऊँ बीबी जी,
रात के 11 बज रहे हैं। हाँ जा जा जा। अरे बिना पूछे कैसे चला जाएगा? हर मंगल काम सारा खत्म हो गया? हाँ बेबी। अच्छा देख मेरी सब साड़ियों पे इस्त्री करके जा, जा। अच्छा दीदी सुन लिया रवि जी, रात के 11 बजे साड़ियों पे इस्त्री करवाई जाती है। मुझे आज की तरह झोले पहन के नहीं घूमना समझे? ये झोला है जनता का लिबास है। अरे कहाँ चला गया? अरे भैया जी तुम्हारे झगड़े में तो मेरे 12 बज जाएंगे यार। अरे बैठ 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 यार बैठ तो सही बैठ ना बैठ जा बैठ। खड़े खड़े हो गए? जानता नहीं घंटे भर से खड़ी हूँ। अरे अरे तो पांव दुखने लगे हैं, ले बैठ। लेकिन आज तो आई हूँ। रोज तुम लेने आते थे आज मैं आ गई। अरे तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। हाँ मोहल्ला तो जैसा है वैसा है ही मगर इस सड़क का भी जवाब नहीं। लो उतरो रानी साहिबा नहल आ गए आप। देखो सारा मोहल्ला सो गया, बड़ी देर कर दी तुमने। अरे क्या करूं मालकिन के आगे मैं खुद परेशान। शाम से शाम दिए शाम से शाम दिए। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देते उसकी नौकरी? काम करते करते तुझे देखकर सारी थकान दूर हो जाती। चलो मजाक ना करो, चल कल से काम बंद करो। अरे काम छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? मैं कमाऊंगी और तुम खाना खराज करना बैठे बैठे। बहुत अच्छे, रानी साहबा तो करेगी काम और मैं गुलाम बैठा राज करूंगा। ए शर्मनिया की औरत का गुलाम बनते हुए राजा तो तुम हो राजा, गुलाम तो औरत होती। चल बगली औरत होती है रानी। अच्छा तुझे मेरे गले की सौंप, सच बता है ना मेरी रानी? चलो अरे पानी न तारा इंदु बेटी यहाँ नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? मालूम नहीं बाबूजी, सुना है नीचे कोई किराएदार आया है। किराएदार? हाँ बाबूजी कोई छोकरा सा है। छोकरा सा? किसकी शामत आई है जो मेरे होते नीचे नया किराएदार आ गया? जरा दर्शन तो करो बेटा के। बाबूजी यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। कोई पढ़े लिखे साहब मालूम होते हैं। बुद्धू का पत्ता है, घड़ी खुला छोड़ के चला गया। कौन है भाई बाथरूम में? मैं हूँ। अरे मैं तो सभी होते बाहर निकल के अपना मुंह दिखाओ। लीजिए देख लीजिए। अच्छा तो आप आ ही गए आखिर साहब जी, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? तो आराम भी कौन सा हुआ, तुम्हारे यहाँ से ऊपर का पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? अजी तो आप ऊपर का नल खोल दीजिए नीचे बंद हो जाएगा। बेवकूफ समझते हो, ऊपर का नल खोलने से नीचे का पानी बंद होगा? श्रीमान ये कायदा आदमी तो बताया था। जब बताया था तो बताया था। लो हटो रास्ते में से, हाथ धोने दो। ओह हाँ, तो क्या नाम है आपका? रविशंकर चौबे। और आपका? मिस्टर मूलचंद छब्बे, ऑनररी सेक्रेटरी जॉली क्लब। देखो बेटा दूसरों के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। जी आपको भी दूसरों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। मैं सभ्या के ऊपर से लाया था। हो जाता है कभी कभी। हाँ, हो जाता है। कहिए तो एक साबुन ऊपर भिजवा दूं। भिजवाइए किसी अपने ससुरे को। जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से साहब उनसे हाथ धोता हूँ, समझे? अपने तो साहब पीढ़ी में भी किसी ने पत्नी से हाथ नहीं धोया। बेटी एक भूत आ गया है नीचे, पर मेरा भी नाम भूलचंद है। वो मंत्र पढ़ूंगा कि थोड़े दिन में भागता नजर आएगा। ले तू जल्दी से नहा ले, मैं बाजार होकर आता हूँ। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा।
बात है, ये ऐसे नहीं मानेगा। बहन जी वो पानी बंद नहीं करता। क्यों? मैं आती हूँ। Oh,
सुनते थे तो सुनते होंगे चौपट सभी इरादे आज किसी के मन के होए 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 आज किसी के मन के झुक गई देखो गर्दन उनकी सुनते थे तो सुनते होंगे चौपट सभी इरादे आज किसी के मन के होए 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 आज किसी के मन के बहुत गरजने वाले हमने देखा नहीं बरस के बहुत गरजने वाले कीचड़ शेर नहीं हो सकता कीचड़ शेर नहीं हो सकता शेर की खाल पहन के हो गए चौपट सभी इरादे आज किसी के मन के होए 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 आज किसी के मन के शादी कर दी फांसी डाल दी मेरे गले में बैठे। अरे भैया जी अब तो शादी हो गई अब
क्या हो सकता है? तो किताबें उठा। हटो यार। अरे भैया जी उठा मत करो, किताबें तो आप ही वो देखो। शाबाश उठा लो, उठाओ शाबाश शाबाश। अभी जाओ तुम भी मत करो भैया की। अभी क्या बात है मालकिन? मंगल वो मेरे बैग है ना, मेरे घर पहुंचा दे। वो टूटे खून के पास भाईलाल की बिल्डिंग है। वो मेरे देखा है बाबूजी, ऊपर मूलचंद बाबू के यहाँ मेरी औरत काम करती है। वो तेरी औरत है? अरे वो तो बड़ी झगड़ालू। क्या बात करते हैं बाबूजी, मेरी तारा तो देवी है। अरे हाँ हाँ, मैं तारा के लिए बोल रहा हूँ, वो तो मूलचंद की लड़की की तरफ से रोज मेरे साथ झगड़ा करने आती है। ये बात है, आज ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन बात क्या हुई थी बाबू जी? इधर आओ। बात ये है कि ऊपर पानी नहीं जाता, अगर वो खोलती है मेरे। तालाब पर मेरे पीछे क्यों? अरे ये क्या कर तू? ये कोई अपना घर? अरे कहाँ चले? घर सुना पड़ा है मालिक का, दिन भी अभी तक स्कूल से नहीं आए। और वो बुड्ढा? तो वो तो क्लब गए हैं। क्लब गए? फिर क्या फिक्र है आप बैठ? फिर किसका डर है? तो अपना ही राज। हाँ जी, फिर क्या पैसे पाए? वही 1.5 हजार रोज क्या पूछते हो? नहीं यार, आज तो 4 आने पाए। मूलचंद जी, लड़की की तनख्वाह बढ़ गई है क्या? वैसी जी, लड़की नहीं लड़का है, वो मेरा लड़का का लड़का। अजी मजे है इनके तो, लड़की कमाती है और ये खाते हैं, ये देखा, इसीलिए तो उसकी शादी नहीं करते। अरे तो तुझे इसकी क्या चिंता है, लड़की मेरी है, शादी करूँ ना करूँ, इसलिए तो शादी नहीं करते। दुनिया भर की लड़कियों की सही फिक्र है। वैसी जी जरा हाथ की जेब काटोगे क्या? अजी मेरे पत्ते किधर है? अबे यार अंधे हो, है तो तैयार नहीं बाबूजी? आज तो आजादी का दिन है, जलसे में नहीं चलेंगे? अरे अपने तो पैदा ही आजाद हुए, लेकिन ये नीचे आ गए ना अपनी आजादी का दुश्मन। तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते।
के पीछे। हाजी मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि आप मेरे आगे क्यों जा रही हैं? तो जाइए ना, आपको जहाँ जाना है। तांगे वाले? नहीं, ये तांगा मैंने लिया है। चलिए मैं पहुँचा दूँ आपको जहाँ जाना है। मिस्टर जी, तो क्या आपने तांगा खरीद लिया है? जी हाँ, खरीद लिया है। चलो सीधा। बहुत अच्छे। बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से नेताओं से फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत हो, यहाँ काट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन को, जहाँ सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता दो, जहाँ जागत रहना है नेताओं खतरा चारों, जहाँ नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। भारत माता के बेटो, है भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस टोली को। है भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस टोली को। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, बापू की जागीर
जागो, लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। होशियार होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। नमस्ते जी। नमस्ते। आप घर नहीं चलेंगे? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? जी हाँ, मैंने आपको गलत समझ लिया था। शुक्रिया। चलिए आप किसी बात पे चाय पिलाऊं। चाय? जी हाँ जी। बात यह है कि मैं आज ही नया स्टोव लाया हूँ, नए बर्तन लाया हूँ और नई चाय लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में बनी हुई पहली चाय आपकी। लेकिन आपके घर में? अजी चलिए ना, आखिर उसमें हर्ज जी क्या है, हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ा ही। चलिए ना। आइए ना बैठिए। आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाता हूँ। आप बनेंगे क्या? जी हाँ, और कौन बनाएगा, अकेला आदमी ठहरा। आई मीन मैं नौकरों का किल्लत नहीं पालता, प्रेम सेवक हूँ ना। बस एक मिनट में चाय तैयार हो जाती, आप बैठिए। तो मैं चाय बनाऊंगी। आप बनाएंगी चाय? जी। तो फिर मैं क्या करूंगा? आप गाना गाइए। ना पसंद है आपको मेरा गाना? तो फिर कल झाड़ू फेंक किसको भागी? आते हैं ना, मैं तो कहा था ये पहली चाय मैं पीऊंगी ना, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी। अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और फिर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे किसी की ओपनिंग सेरेमनी आपके हाथ से हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी? जी हाँ। देखिए ना, किसी संस्था का उद्घाटन कोई लीडर करता है, किसी का कोई मंत्री, और मेरे किचन का उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। चाय, शक्कर, पानी और दूध लाता हूँ। देखिए, नल खोल सकता हूँ म्यूनिसपैलिटी का। उस दिन नल वाली बात याद है?
बिखरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। जन्म की कोई पहचान हो तुम, ढूंढता था जिस दिल क्या वही मेहमान हो तुम, ढूंढता था जिस दिल क्या वही मेहमान हो तुम। अपनी मुस्कान से पागल मुझे करने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। तरह आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, इस तरह आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको। किधर उड़ा के ले जा रहे हो तुम मुझको, बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको, बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। चुपके चुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। अरे आज तो बड़ी जल्दी क्लब से वापस आ गए आप। आ गए था आपको मतलब पैसे भूल गया था, लेने आया हूँ। जब होता है टोकते रहते हैं, मकाना चलती नहीं जवान चलाते रहते हैं। जाइए ना मैं लाती हूँ। अच्छा जी आप ही ले आइए। अगर तुम्हारे बाबू जी आ जाए तो कैसी रहे। वो कैसे आएंगे, वो तो क्लब गए। मान लो आ जाए भाई, हमें तुम्हारा डर लगता है। मरुआ उस दिन कह रहे थे हे मिस्टर फिर ये चाय पार्टी तो खोल के गाट दूंगा, अगर सच में कहीं फौड़ा लेके चले तो अपना तो बोलो ही रहा हूँ। अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। बैठो तो आज मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी। आज ये है इंदू के बात ये अभी तो अभी इतने धीरे क्यों चल रहे हो। पहले ये फैसला कर लो कि मुझे धीरे चलना है या तेज चलना है। अच्छा तब दूसरे के घर में तुम अच्छा झगड़ो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भैया। कुछ मत पूछेगा दीदी इनसे मारे तुम्हारे नाम। भाभी इंदू ये मेरे मित्र हैं मिस्टर रेवती शरण वर्मा, फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट, और ये इनकी धर्मपत्नी रोहिणी देवी। अरे भाई इनसे भी तो परिचय करा। हाँ ये
ये मिस इंदु बाला ऊपर रहती है ऊपर। अच्छा तो आप ही हैं जिनसे नल के बारे में झगड़ा हुआ करता है। अच्छी भाभी पूछना चाहिए नहीं ना हो गई है रवि जी। अच्छा तो अब हो गई है। तारा ओ तारा इंदु कहाँ है तू? मुझे मालूम नहीं बाबूजी। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ जहाँ वो गई है। मुझे मालूम है जहाँ वो रोज जाया करती है। मैं उसे लड़की नहीं लड़का समझता था, हर तरह से आजाद रखता था। नहीं देनी चाहिए लड़की को इतनी आजादी। क्या देना इंदु से, मुझे उसका कहीं आना जाना पसंद नहीं। हमें कोई मतलब नहीं किसी पड़ोसी या मोहल्लेदार से। क्या बात है रवि, ऊपर कौन चिल्ला रहा? अब इतना भी नहीं समझते लड़की का बाप होगा और कौन। लेकिन तू फिक्र मत कर रवि जी, मैं सब ठीक कर लेंगे। अच्छा इंदु जरूर आना है, ठीक आ रही हूँ। मगर देखिए खाना ज्यादा परहेज ही नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बात ये है हम इनकी सालगिरह हर साल मनाते हैं, इसका फैमिली प्लानिंग ऐसे ऐसे बातें ढूंढता ही हूँ। रवि अरे तुमने तो बड़ी देर। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। थैंक यू रवि। बाबू जी ये मेरे दोस्त मिस्टर रवि, जानता हूँ मेरे नीचे ही तो रहते हैं। बैठो रवि, बैठो बैठो। मंगल शरबत पे ही डाल रहा हूँ, खाने पीने का क्या प्रबंध है? सब प्रबंध किया है बाबू जी, आप आइए तो मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे खाना पीछे दूसरी बात, आइए तो सही आइए। रवि जी बच्ची नहीं है। अच्छा मेरे खाने का स्पेशल इंतजाम किया है, ठीक है। वहाँ लोगों में बैठ के खाया भी नहीं जाता, यहाँ एकांत में बैठ के आनंद से खाऊंगा। बाबूजी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो, लैब में सभी जरूरी बातें खाने के टेबल पर होती हैं। देखिए रवि शादी करना चाहता है। हाँ तो करे शॉप पे, पर आपसे मुझे भी ले चलना। लेकिन बाबूजी इसमें आपकी रजामंदी होनी जरूरी है। अरे मैं कौन होता हूँ, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काज। अजीब इंदु से शादी करना चाहता है। इंदु से शादी करना चाहती है। इंदु भी उससे शादी करना चाहती है। ठीक है कमा हुआ है बयानी है, करे जो उसकी मर्जी में हो। लेकिन बाबू की मर्जी तो आपकी भी होनी चाहिए। तो मेरी मर्जी तो ये है इंदु उस लड़के से शादी करे जो घर जवाई बन के रह सके। मेरा ख्याल रवि भी आपका ख्याल रखेगा, घर जवाई बन के रहेगा। हाँ बाबू जी देखिए ना बिल्कुल अकेला है, दुनिया में उसका कोई नहीं। अकेला है दुनिया में उसका कोई नहीं। कोई नहीं तो यार बात तो शादी पक्की। अरे अरे और क्या बताऊंगा, पढ़ा जा रहा था। देखिए साहब पहली बात तो ये है कि इंदु के सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, कोई ये घर छोड़कर और कहीं नहीं जाएगी। और दूसरी बात है ये कि घर का सारा खर्च वही चलाती है, मेरी सारी जिम्मेदारियां उसी ने उठा रखी। अजी साहब ये भी आपकी सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार है, आपको कोई तकलीफ न होगी। बल्कि इंदु बहन को नौकरी करने की भी तकलीफ नहीं रहेगी। जी नहीं नौकरी वो जरूर करेगी। लेकिन बाबूजी ये तो मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए नौकरी करे। और ये मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए वो नौकरी ना करे। लेकिन साहब ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। बाबूजी सुनिए तो, इससे सोचने की कौन सी बात है, आप इंदु पर छोड़ दीजिए, जैसा वो मुनासिब समझे वैसा करे। मंजूर है बेटी, तू खुद ऊंच नीच समझती है, जो ठीक समझे तो कर। तो साहब ये बात तो हुई, अब रही लेन देन की बात, तो कान खोल कर सुन लीजिए। मेरे पास देने को ढेला नहीं है और होगा तो दूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी आपसे मांग करूंगा। आई सी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि शादी के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। बात ये है कि वो यही चाहते हैं। वो तो न जाने क्या क्या चाहेगा, मगर मैं यही कहूंगी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, जरूरत पड़े तो वापस आ सकती हो। थैंक यू, अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। मिस इंदु कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इंदु तुम सचमुच शादी करने जा रही हो? हाँ मनोरमा, समझौता और समर्पण वाली बात याद है ना?
याद है तो जरा अच्छे से याद रखना उसे। तो शायद अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये सब लड़कियां तुम्हें बहुत याद किया करेंगी। तैयार हो जाइए, रास्ते में से रेवती और रोहिणी को भी लेना है। बहुत अच्छा। अभी मेम साहब इस तरफ कहाँ चली, बाथरूम तो इधर है। हम अभी आते हैं, इंतजार करो। अरे भाई रोहिणी, मेरे तैरने कपड़े भी ले लेना। सब बातें अगली वक्त तैयार आती है, तुम्हें खुद ही निकाल लो ना।
भाई मैं काम कर रहा हूँ। हाय हाय, तो मैं कौन सी बेकार बैठी हूँ? कौन से पत्थर तोड़ रही हो? अब तुम कौन सी तरह टूट रहे हो? जाओ अपने आप निकालो। ले आओगी तो क्या दुबली हो जाओगी? अब तुम क्या घिस जाओ? मैं कहता हूँ जबान मत चलाओ। मैं कहती हूँ तुम हुकुम मत चलाऊंगा। पति हूँ तुम्हारा। अब मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं, समझे? अजी सारी दुनिया जानती है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन ये कहा समझती है? हाँ हाँ, तुम तो समझते हो कि मैं तुम्हारी चरणों की दासी हूँ। रोनी बहन, अगर स्त्री पति के चरणों की दासी है तो पति के हृदय की स्वामिनी भी है। अजी स्वामिनी ही नहीं, पति के हृदय की देवी है और पति उसका पुजारी है। भाभी, दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। देखो अभी घर में कभी भी गुस्सा आए तो फौरन शांति मंत्र का जाप कर लेना। भैया जी बोलो शांति 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 शांति। देखो रंग तो बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को इसी हालत में पिकनिक के लिए चलते हैं और बाद की ठंडी हवा खा के दोनों का दिमाग ठीक हो जाएगा। जी हाँ। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, क्या रखा इस तकरार में? जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। अरे रूठो न सिस्टर, मान जाओ मिस्टर, मिलके रहो संसार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। सुनो सुनो श्रीमान जी, लड़ना तो मैडम है एक लड़क बन, इसमें बड़ा नुकसान जी। हाँ सुनो सुनो श्रीमान जी, क्यों बैठे हट के उखड़ा पलट के, फिर से बंधो एक तार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। और बीबी के झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। ये थी चटानी अच्छी नरानी, घर को बनाओ ना खाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी। छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी, उससे के पीछे मार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। जीवन में सुख से जो रहना है तो गुस्से पे कुछ कंट्रोल करो। हाँ गुस्से पे कुछ कंट्रोल करो, अपनी अकड़ पे ब्रेक लगाओ जी, झूठा बड़प्पन गोल करो। हाँ गुस्से पे कुछ कंट्रोल करो, झगड़ा न करना तू बेगे बनना, नैया कभी मझधार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। Ha 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 ha!
अरे तू लेटी क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबू जी। हाँ ये बेटा ऐसा कर, मुझे 25-30 रुपए दे। रुपये और दे तू दिए थे बाबू जी? अरे वो तो पर्सनल खर्च हो गए थे, ले जल्दी मुझे जा। रुपया भी अजीब चीज है, जेब में आने से पहले ही खर्च हो जाता है। मैं लौटा दूंगा जी बच्चे, लौटा दूंगा बेफिक्र रहे। अरे इंदू क्या हुआ, क्या हुआ इंदू? तारा, ओ तारा जल्दी से डॉक्टर को बुला, ना जाने इंदू को क्या हो गया। अरे उससे क्या पूछ रही है, डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को। डॉक्टर की जरूरत नहीं बाबू जी, डॉक्टर किसकी जरूरत है। मैं भी कैसा करता हूँ, इतनी सी बात नहीं समझा। अरे तू करे क्या, मुझे कही है बड़ा उस भंगे को बड़ा दावा बना फिरता है। अजी सुनते हो, मैंने कहा कुछ सुना तुमने? सुनने के लिए कहा क्या तुमने? कहूँ क्या, रवि और इंदु की शादी हमारे बाद हुई थी और वहाँ बच्चे की उम्मीद है। बच्चे की उम्मीद है? हाँ। रवि के बच्चे की उम्मीद है? बड़ा लालच निकला, मेरा दोस्त होते हुए फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट का दोस्त होते हुए भी बच्चे की उम्मीद, मैं रखूं कहीं का? तुम जैसे बड़े अकलमंद हो। शांति, देखो मैं हूँ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट, अगर मैं ही इस योजना पर अमल न करूं तो फिर मेरी बात कौन मानेगा, मेरी किताब कौन पढ़ेगा? देश की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिए सबको इस योजना पर अमल करना चाहिए। अभी अपना देश खुद बच्चा है, उसके समर्थ होने तक बच्चों की कोई जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? आइए बाबू जी, सीधे मिठाई खाइए। बाबू जी लड़का हूँ या लड़की? अरे लड़की होने की कौन मिठाई बांटता है। सुन लिया? शांति बैठिए बाबू जी। नहीं नहीं अब बैठने का वक्त नहीं है, अब तो तुम भी कुछ मिठाई बांटने का इंतजाम करो। छोड़िए ये रवि के लिए भेंट लेते जाइए। रोहिणी जरा जल्दी से लिखना। क्या लिखूं? आज के हिंदुस्तान को बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं, फुल स्टॉप। ओ आशू आ जाओ हमारे पास, आ जाओ आ जाओ आशू आशू जी को आओ आशू आ जाओ आ जाओ। इसको काला की कैसे लगाए? माँ बन गई इतना नहीं जानती, नजर नहीं लगती काला की काला जाने। आओ बेटे आओ, नहीं वो हमारे पास बैठेगा नहीं बैठेगा। ऐसा ऐसा ये लो ये लो ये लो आशू। तो ये देख क्या लाया हुआ आशू के लिए। अरे तैरने के कपड़े अभी से ले आए? और क्या, अभी से सिखाऊंगा तभी तो बड़ा होकर मेरे जैसा तैराक बनेगा। ये और कोई डिजाइन नहीं मिला शहर में? अभी जब तुम्हें शहर में कोई दूसरा डिजाइन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा। अरे तो क्या सचमुच अभी से तैरना सिखाओ? बिल्कुल अभी से सिखाऊंगा। इसलिए थे बच्चे को? अरे मूर्ख मेरी इतनी उम्र हो गई, तैरना तो क्या डूबना भी नहीं आया। बाबूजी आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, वरना डूबना तो बड़ा आसान है। चलो तो बेटे तैरने चलेंगे। अरे मैं भी आती हूँ। पागल हो गए दोनों के दोनों, कोई इनसे पूछे कि ये आदमी का बच्चा है या बत्तख का बच्चा है जो पैदा होते ही तैरने लगेगा। अरे Thank you.
शादी हमारी भी हुई थी, बच्चे हमारे भी हुए थे, पर इस तरह आवारा गर्दी कभी नहीं थी। दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। ओहो, क्या वक्त आ गया, केले भी किनके मिलने लगे। क्या करते, जब बच्चे घोड़े पे बैठने लगे तो बुड्ढे झूले में बैठने लगे। अच्छा बाबा, उतरता हूँ, आ गए हूँ घर में बैठे बैठे। आप घूमने क्यों नहीं जाया करते बाबूजी? अब दिन भर घूमता ही रहूं तो घर में जाया करो। कौन आता है इस वक्त सामने? बाबूजी आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके लिए कोई हल्का सा काम ढूंढ देता हूँ, जिससे आपका दिल भी लगा रहेगा और कुछ आमदनी हो जाएगी। जी हाँ, ये मेरी उम्र काम कर रही थी तो है। बाबूजी आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं सब समझता हूँ, मैं नौकरी करूँ, तुम घूमने जाओ, तैरने जाओ, घोड़े की सवारी करो, ये क्यों नहीं कहते कि अखरने लगा हूँ तुम्हारी नजर में। अरे भाई, मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया है, भूख के मारे कब निकलना। सवार ही मैदान जंग में और वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे नाना जी है, बुढ़े हो गए तो क्या हो गया है, तो नाना जी ना बुढ़ा होगा तेरा बाप। चलो बेटे, अब तुम चलो स्कूल चलेंगे और हम अपने दफ्तर चलेंगे। नाना जी टाटा करो। टाटा टाटा बेटी, इसका दिमाग तो हो गया खराब। मेरे बाप ने तो ना मुझे कभी घोड़े पे बैठाया ना गधे पे, मत हाथी की तरह पड़ा रहता था। किसी क्या कर रही है, हंसने की क्या बात है? अरे भाई, बच्चे को प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, एक ही तो बच्चा है, दुनिया भर की जोखम में डालता फिरता है उसे। बुरा वक्त कोई कहके थोड़ी आता है। परसों वो जौकी रेत में गिर के मर गया, खबरदार जो कोई बच्चे को कभी घोड़े पे चढ़ने देगा, समझे? आशु अभी तक आए नहीं स्कूल से। और बाबू जी? वो क्लब गए हैं। उनके लिए केले लाया हूँ। अच्छा? और अपने और आशु के लिए संतरे लाया हूँ। और मेरे लिए कुछ नहीं ला? अजी ऐसे कैसे हो सकता है, आपके लिए तो चीकू लाया हूँ। चीकू? अरे वाह, तुम तो नाम लेते ही आ गए बेटे। झावा एक बकरी का दो। अरे वाह 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 वाह, एक चीकू खाओ। नहीं ये नहीं। अच्छा लो संतरा खाओ। नहीं ये भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं लगती? रहने दो, जब बच्चे को भूख नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं खिलाया करते। तो बेटे पहले घूमने जाएंगे फिर बाद में आके खाएंगे। अच्छा, अच्छा। जान तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पापा जी। अरे बेटे पहले चार में चलेंगे और फिर घोड़े पे बैठेंगे। ताली 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 जबाद जबाद। मैं इसे घोड़े पर चलने नहीं भेजूंगी। क्यों? इसमें से बच्चे को घोड़े पर चलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, दिखा रहा हूँ इसे। मैं कहती हूँ कहीं चोट लग जाएगी तो। अजी आपसे ज्यादा ख्याल है मुझे बच्चे का। चलो बेटे, टाटा करो मम्मी को। टाटा टाटा। देखा तारा, इतना कहने पर भी नहीं माने, नहीं गई जबरदस्ती। चिंता क्यों करती हो बहन जी, जब वो साथ है तो डर कहेगा। जा क्या काम कर, डर कहेगा। रवि? कोई नहीं है क्या? अरे तो नहीं बैठी हो। रवि कहाँ गया? आज तो कुछ जॉकी बनाने ले गए हैं। है? अभी तो घोड़े के सहारे से खा रहा, कहीं गिर गया तो। यही तो मैं झूक रही थी, लेकिन सुनता कौन है। आओ बेटा।
लेकिन घोड़े की सवारी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तुम बाप होते तो समझते क्या बुराई है? रवि बाप नहीं है। वो तो है लेकिन तुम क्या हो ये तो बताओ। तुम मेरे से बात मत करो जी। मैं बात मत करूंगा। हाँ क्या बोला था? मैंने तुमसे क्या कह दिया? ओहो आप लोग तो फिर से झगड़ने लगे। शांति शांति ओम शांति शांति। आज नहीं आया अभी तक? अभी आता ही होगा। बड़ी देर लगा दी तुमने आज। मैं दफ्तर में कुछ काम हो गया था। ये लो तनखा कर गए। और देखो इस महीने का खर्च में कटौती करो। कौन सा खर्च कम कर दूं? फजूल खर्च तो नहीं कर रही हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा इंदू, हो सके तो अच्छा है। तुम तो जानती इस महीने से आशु का खर्च बढ़ गया है। 20 रुपए स्कूल की फीस और 15 रुपए घोड़े के। घोड़े का खर्च क्यों नहीं कम कर देते? फजूल खर्च है वो। इंदू वो बहुत जरूरी खर्च है। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं कौन सा खर्च कम कर दूं? मैं बताऊं? अपने बाबूजी से कहो क्लब जाना छोड़ दे। देखो इंदू हर महीने 100-150 रुपए खराब कर देते हैं और उसमें कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इंदू बेटी मिल गई रवि की तनखा, 25-30 रुपए दे रही, क्लब का चंदा वगैरह देना। वो क्लब छोड़ने को कह रहे हैं बाबूजी। क्लब छोड़ने को कह रहे? दुनिया छोड़ने को नहीं कह रहे बाबूजी। दरअसल आशु का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो फिर मेरा खाना बंद कर दो। घड़ी दो घड़ी क्लब में मन बहलाने को चला जाता था तो नहीं जाऊंगा। मैं पर आया हूँ इस घर में, मेरा ही खर्चा फालतू है। बच्चे के हाथ पैर तोड़वाने के लिए घोड़े का खर्चा जरूरी है, उसे तालाब में डबोने के लिए फीस भरना जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ऊपर ऊपर, चला जाऊंगा ये घर छोड़ के, कर दूंगा कहीं नौकरी। नहीं बाबूजी वो तो कुछ कह रहे थे, ये लीजिए। रहने दे रहने दे, मेरा इस घर में रहना मुश्किल है, चला जाऊंगा यहाँ से कहीं। डूबने मारेंगे वो पर। नाना जी से ऐसी बातें करते हैं? आज से तू भी तैरने नहीं जाएगा। कह देना अपने पापा से, मम्मी मना करती है मैं तैरने नहीं जाऊंगा, समझे? क्या सिखा रही हो बच्चे को? तैरने को मना कर रही हूँ, ये अब तैरने नहीं जाएगा। क्यों? हमें इसे मल्लाह नहीं बनाना। मुझे क्लब में जाने को मना करते हो और खुद बेकार रुपए उड़ाते हो। बाबूजी रुपए क्लब में उड़ाए जाते हैं, रमी में उड़ाए जाते हैं, जुए में उड़ाए जाते हैं। सुन लिया बेटी, मैं रमी खेलता हूँ जुआ खेलता हूँ, ये क्यों नहीं कह देते कि मैं चोरी भी करता हूँ? नहीं बाबूजी ये तो वैसे ही कह रहे हैं। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ बाबूजी को। जानती हो तो ठीक है, और दिया करो पैसे ने जुआ खेलने के लिए। 10 रुपए का नोट इसके लिए ड्राइवर मंगाना है। ये लो ड्राइवर की चीज लाना, बाकी पैसे ले आना। नौकर को दे दे 100 का नोट, जो वो वापस ही ना आए मैं खुद ले आऊंगा। बाबूजी ले आइएगा जरूर। हाँ क्लब से लौटता हुआ ले आऊंगा। आइए आइए आप ही कैसे सुधारता मूलचंद जी? आपने शायद तंबाकू बदल दिया है। या बदल दिया है आपको मतलब? अच्छा भाई 2 पैसा पॉइंट? नहीं भाई 1 नया पैसा पॉइंट। नया पैसा आ गए नए पैसे पर? अरे भाई हम क्या आ गए, सरकार ने ही चला दिया। लेकिन पुराने पैसे बंद तो नहीं किए सरकार ने? अजी सरकार ने नहीं, इनके दामाद ने बंद कर दिए होंगे। हाँ भाई अब तो दामाद का ही मुंह देखना पड़ेगा। अबे मूलचंद तो अपना मुंह भी नहीं देखता, दामाद का क्या देखेगा। लो आओ 1 रुपया पॉइंट, आओ इसमें दम। लो हाँ 1 रुपया आओ। मैला मत कर, मैला मत कर। मूलचंद जी मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का है या दामाद का? दामाद का ही समझ ले। आज मूलचंद ने कहा आज है, फैसला हो जाएगा। देखा बस बच गया, लेकिन तुम्हारे बाबूजी का अभी तक पता नहीं। आ जाएंगे, तुम्हारा 100 का नोट लेके भाग नहीं जाएंगे कहीं। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन उनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चे के लिए ड्राई वाटर मंगाया। आते ही होंगे। ठीक है चलो बेटे अपन गाना गाएंगे। आशू बड़ा अच्छा बेटा है ना, अच्छा जी आशू अच्छा बेटा है ना। आपने बड़ी देर लगा दी आपने, और वो ड्राइवर भी लाए। क्या बताऊंगे कब से आ रहा।
गुंडों ने रुपए से। अरे अकेला आदमी किस किस से लड़ता, सब बड़ा आदमी। भाई चोट तो नहीं लगी? चोट बहुत तो नहीं आई, लेकिन रुपए चले गए। वो तो जाने थे क्लब में। हाँ हाँ कहते जीवन में हार गया, फिर लगाया मुझ पे इल्जाम। देखो तुम मेरे बाबूजी को कुछ भी कह देते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जुआ खेलने के लिए रुपए देना अच्छा लगता है? हाँ दूंगी, उन्हें कुछ मत कहा करो। तेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, ना जाने से नहीं रोका, तूने कभी नहीं रोका, और ये आदमी मेरा खाना पीना बंद कर देना चाहता है। बाबूजी मैं आपका खाना पीना बंद नहीं करना चाहता, आपकी बुरी आदतें बदलना चाहता हूँ, फजूल खर्ची बंद करना चाहता हूँ। अब तो मैं इज्जत के साथ इस घर से चला ही जाऊंगा। नहीं बाबूजी, मेरे जीते जी आप कहाँ जाएंगे? सोचता हूँ फौज में भर्ती हो जाऊँ। क्या कह रहे हैं आप? फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप ऐसा कीजिए सर्कस में भर्ती हो जाइए। सर मैं आती, बुड्ढे से मजाक करते। बुड्ढा होना तेरा बाप। बाबूजी आजू, अरे बेटे देखो क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे आजू कहाँ? वो बाहर गया है तारा के साथ। देखो तू क्या लाए। मैं कह लूँ इसकी क्या जरूरत थी, बेकार 30-40 रुपए खर्च किए। ये बेकार नहीं है इंदू, इससे बच्चे की अकल बढ़ती है, ये बहुत जरूरी खर्च। हाँ हाँ बेकार खर्चा तो मेरा है, ये बहुत जरूरी है। वाह कुर्बान जाऊं मैं कहनो के, किताब भर की लोमड़ी और मन भर की तुम, जितना सा बच्चा और कार खाना उठा रहा था। हाँ अभी से क्या जल्दी थी? जल्दी थी, मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। हाँ इंजीनियर बना दे उसे। देखिए आप मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए। दखल नहीं दे रही थी, अकल की बात बता रही हूँ। तुम लोग अपनी अकल अपने पास रखो, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। हाँ ठीक तो करता है, कमाता है ना, दूध देने वाली गाय की लाते भी पहनी पड़ती है। अब तो वो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा, इसीलिए कहता था बेटी के नौकरी मत छो, पर कौन सुनता है मेरी। इसके रख ले, एक दिन तुझे पाँव की जूती बना के छोड़ेगा। तुम्हारे घर की बीमारी हमारे घर भी आ गई, हमारे मालिक मालकिन भी झगड़ने लगे। वो भी झगड़ने लगे? अरे इन पढ़े लिखों से तो हम अनपढ़ अच्छे, अपनी तो कभी झगड़ने की नौबत ही नहीं आती। आए कैसे, तुम गुस्सा होते हो मैं चुप हो जाती हूँ, और जब मैं गुस्सा होती हूँ तो तुम चुप हो जाते हो। ऐसे ही चला करता है घर संसार, मर्द नाराज हुआ औरत ने मना लिया, और जब औरत नाराज हुई तो मर्द ने मना लिया। कौन समझाए इन्हें। जब बत्ती बुझा, नींद आ रही है। हाँ बेटे क्या दो कप। बस बेटे तेरी मम्मी आ जाए फिर चलेंगे, वो आ गई तेरी मम्मी, ले इधर बैठ। देखो जी स्टेनलेस के बर्तन लाई हूँ, अच्छे है ना। लेकिन इनकी क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत थे घर में। मुझे अच्छे लगे ले आई, कुल 150 को तो है। मैं खर्चा कम करने के लिए कह रहा हूँ और तुम वो गैरोज बढ़ाती चली जा रही हो। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ा दिया? बढ़ाया नहीं, क्या जरूरत थी इन बर्तनों की, दुकान की दुकान उठा लाई। भाग नहीं जाएंगे घर से ये, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेकार रखे तो रहेंगे। मैं पूछती हूँ नुकसान क्या हो गया तुम्हारा? और फायदा भी क्या हो गया, बेकार में इतने पैसे खर्च कर दिए। तो मैं कुछ भी खर्च नहीं कर सकती, मेरा कोई अधिकार नहीं इस घर में। ठीक है आपसे कुछ भी नहीं लाऊंगी। यहाँ जो सड़क पर फेंक दो ना, मुफ्त कमाए तो कमाना थोड़ी पड़ता है। तुम्हें कमाना पड़ता इसलिए कह रहे हो ना, इसलिए आकर है, इसीलिए बाबू चक्रो ताने के क्या हो। एक दिन मैं भी नौकरी करती थी, अगर चाहूँ तो आज भी कर सकती हूँ। लेकिन रवि तू तो हम लोगों को समझाया करता था भाई। पर उपदेश कुशल तो होते रहे, अब कहाँ गई वो समझदारी? समझदारी तो उस घर में रह ही नहीं सकती भाभी, मैं समझता हूँ अब मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। रवि
वो मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देना चाहते हैं बाबूजी। मैं कुछ भी नहीं खरीद सकते अपनी मर्जी से। वो कमाता है ना बेटी, मुझे तो उसके लक्षण पहले ही से दिख गए थे। तेरी माँ ने मुझसे नौकरी छुड़वा दी पर खुद नौकरी नहीं छोड़ी। तू भी स्कूल ना छोड़ती तो इन चार साल में 4-5 हजार रुपए जमा होते बैंक में। गलती तेरी है, अब पछताने से क्या होगा। मैं फिर से नौकरी करूंगी बाबूजी। वेरी गुड। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि इंदू नौकरी मत छोड़। खैर तुम वापस आ गई, ये बहुत ही अच्छा। अब तुम कल ही से चार्ज ले लो अपने काम का। अच्छा थैंक यू। अरे मम्मी आ गई। मम्मी अभी आती होगी आशु, तुम यहीं बैठो। हाँ देखो चुपचाप बैठना। मम्मी आ गई तारा। मम्मी अभी आती होगी, तुम बैठो मैं दूध ले आती हूँ। लो अभी आशु गरम गरम दूध पिएगा। पिएगा ना दूध, लो लो दूध पियो। मम्मी के हाथ से पी रही हूँ। नहीं बड़ों का कहना माना करते हो। पियो नहीं। आशु पापा जी आगे, पापा जी आगे, पापा जी। आशु पापा जी, पापा जी आज तुझसे पहले आ गया। अच्छा अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है आज? वो तो आज स्कूल गई है। स्कूल? जी हाँ, नौकरी पर। नौकरी कब से करने लगी वो? आज ही से। पापा जी चलो बेटा दूध पियो। नहीं अब मम्मी जी आज पीएंगे। बेटे आज से हम तुम्हें दूध पिलाएंगे। नहीं नहीं तुम भी दूध पिलाओगे। हाँ मम्मी नहीं पिलाएगी। नहीं पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी। बताओ ना पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी तारा की तरह से। बेटे तुम दूध पी लो। नहीं पी लो ना। तारा मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी कहाँ गई थी? पता है नहीं तारा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने आज से नौकरी कर ली। क्यों की है तुमने नौकरी? किसने कहा था नौकरी करने के लिए? कहता कौन, मैंने खुद की है, अपनी मर्जी से की है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में, मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा तुम्हें। जो मैं चाहूंगा वही होगा इस घर में। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मुझे छोड़ना होगा। जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है तो फैसला भी तुम ही कर लो। कर लिया फैसला, कल से तुम नौकरी पर नहीं जाओगी। गई तो नतीजा बहुत बुरा होगा, शायद तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। से खाना सीखो, चलो बैठा इधर। पापा जी नाराज हो जाएंगे। Thank you.
गए, आशु को भी ले गए, लेकिन कहाँ गए तारा? पता नहीं बहन जी, कुछ भी बता के नहीं गए। इसलिए तो हम लोग यहाँ आ गए, अब हम यही रहेंगे। अच्छा अच्छा, लेकिन इंदु जी, इसमें आपकी भी गलती है। उसके मना करने पर आपको नौकरी पर नहीं जाना चाहिए था। रवि की भी गलती है, उसे इतना घर छोड़कर होटल में रहने नहीं जाना चाहिए था, और बच्चे को भी साथ ले जा। वो समझते होंगे मैं आशु के लिए उनके पैर पकड़ूंगी, उनकी खुशामद करूंगी, लेकिन मेरा भी नाम इंदु है, मैं जबरदस्ती लाऊंगी बच्चे को। मुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं बेटी, वो खुद लेकर आएगा बच्चे। मुझे भी देखना है मेरे बिना कैसे रहता है आशु उनके पास। आशु, आशु बेटे, आशु बेटे, अब तो सो जा, 10 बज गए। देखो आशु, अगर तुम जिद करोगे ना तो हम तुझे अपने पास कभी नहीं सुनाएंगे, समझे? चल सो जा। बाबूजी, पता नहीं क्या हाल होगा आशु का। हाल क्या होगा बेटी, वो कोई अकेला थोड़ी है बाबू। आशु, आशु, अरे अब तो सो जा बेटे, 11 बज चुके हैं। मम्मी के पास मम्मी के आ जाऊंगा। बेटे मम्मी के पास सुबह चलेंगे ना, अभी सो जाओ तुम। क्या मेरी, तुम बात तो सुनो, तुम यहाँ सो जाओ, फिर सुबह चलेंगे मम्मी के पास। बड़ा अच्छा बेटा है, बेटे सो जाओ ना यहाँ। नहीं जाओ मम्मी के पास। बाबूजी, मैं खुद वहाँ जाऊँ तो कैसा है? पागल हो गई है क्या? यही तो वो चाहता होगा। देखती जा, वो खुद आशु को लेकर आएगा यहाँ। भला माँ के बगैर बच्चा कैसे रह सकता है? जा तू आराम से सो जा, सुबह नौकरी पे जाना। बेटे भगवान के लिए सो जा, सुबह जाएंगे जान जाएंगे। ओ, मैं क्या करूंगा इसका। अशु, अशु पास जा रहा है, मम्मी के पास जाएगा, जाने छोड़ेगा। अच्छा बाबा, चल मम्मी के पास चल। मेरे बाप अब तो चुप हो जाए, तेरी मम्मी के पास जा रहा हूँ।
एक दफा आया है तो फिर आएगा, तू चिंता मत कर, चलकर सो जा रहा हूँ। बेटे यार नहीं कंधे से लगा के लगे थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? हुआ? तुम्हारी मम्मी ने बेटे दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला? दरवाजा नहीं खोला? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं खोला। कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास, मैं भी जाऊंगा नहीं, कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास। मम्मी आएगी तो मैं भी दरवाजा बंद कर दूंगा, कभी भी दरवाजा खोलूंगा। शाबाश, बिल्कुल नहीं खोलना बेटे। अच्छा और अशु, देखो बेटे हम नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम खेलो, उसके बाद फिर तुमको नहलाएंगे। अच्छा आया था कि ये रो रहा था। मैं भी रो रही थी रात को। क्यों? बाप ने आंसू नहीं पूछे, नौकरी करके भी खुशी नहीं मिली? बाप का कहना नहीं माना इसीलिए तो रोना पड़ा, और नौकरी छोड़ी इसलिए पछताना पड़ा। यहां क्यों आई हो? अन्य औरत बना दिया ना मुझे। औरत की मर्यादा का ख्याल है तुम्हें? वही ख्याल तो मुझे यहाँ खींच लाया। मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहती, देखो इंदु, अगर तुम औरत बनकर रहना चाहती हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो खुशी से रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी नौकरी को छोड़ना होगा, अपने बाप को छोड़ना होगा। मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकती। तो रहो अपने बाप के पास, चले जाओ यहाँ से। अशु को तुम नहीं ले जा सकती, ये मेरे पास है। नहीं जी, मैं रखूंगी इसे अपने पास। तुम कौन होती है इसे अपने पास रखने वाली? मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे पास रहेगा।
कानून से मेरे पास कानून यहाँ नहीं अदालत में है। जाओ अदालत में। तुम मर्द हो इसलिए जोर दिखा रहे हो, ये बच्चे को माँ से अलग कर रहे हो। याद रखो इंसाफ मेरे साथ है, मैं तुम्हें अदालत में खींचूंगी। अदालत में खींचोगी? जाओ अदालत में, पहले तलाक लो और फिर बच्चे भाग जताना। क्या कहा उसने बेटी? उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दी है बाबूजी। तलाक? ठीक है, उसने जो धमकी दी है मैं उसे सच करके दिखा दूंगा। ऐसे ही बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। पर तू फिक्र मत कर बेटी, जैसे मैं कहूँ वैसे करती है ना, कुछ नहीं चपा दूंगा बेटा को। आज जो हक मर्द को है वो औरत को भी। होश की दवा करो भाई, होश की दवा करो। हाँ रवि जी, तुम इस तरह पेश आओगे तो बेचारी आखिर जाएगी कहाँ? क्यों, तलाक लेने का हक है उसे? पागल हुआ? तलाक लेने का हक तेरे साथ रहने का हक नहीं है उसे? वो बात कभी की खत्म हो गई रहती शरण, अब हम दोनों के लिए भी रास्ता है तलाक। देखिए वकील साहब, मेरे कहने का लब्बो लुबाब ये है। ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया। देखिए, आप तो अपने हस्बैंड से 2 बरस तक बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उसके बाद आप तलाक की दरखास्त दे सकते। फिर तलाक मिल जाएगा वकील साहब? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगा। सुना इंदू, कानून हमारे साथ। हाँ सुना तुमने, मलकिन तलाक लेंगी मालिक से। तलाक? अरे राम राम, शादी के ढोल क्यों पीटे थे फिर? तमाशा बना रखा है इन बड़े लोगों ने शादी का। पहले तो अपनी मर्जी से करेंगे शादी, फिर जरा जरा की बात पर झगड़ेंगे और फिर दौड़ेंगे लेने तल्लाक। तो सारा कसूर तो सरकार का है, क्यों बनाया ऐसा कायदा? कोई जानता भी नहीं था तल्लाक या फल्लाक। अरे तो सरकार ने कायदा इसलिए थोड़ा ही बनाया कि चट शादी करो और फिर तल्लाक लेने दौड़ो। ये कायदा तो उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी जिंदगानी बर्बाद हो रही है। अब जैसे ये मन्नो है, 10 बरस हुए घर वाला छोड़ के चला गया, ठीक है ये ले लेता ना। वो बाबू चंद्रबान है, कुछ करते धरते नहीं, औरत की कमाई खाते हैं, दारू पीते हैं, ऊपर से घरवाली को मारते हैं। जरूर छोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी, या फिर कोई पागल हो, बदचलन हो, कोई हर्ज नहीं है तलाक देने में। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में कोई बुराई नहीं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। काहे के पढ़े लिखे हैं, उनसे तो हम अनपढ़ अच्छे हैं, हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर निभाते हैं। अरे ये शादी की गांठ जन्म जन्म की गांठ होती है, मरने पर भी नहीं खुलती वो। ठीक है मन मुटाव भी होता है, झगड़े टंटे भी होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तलाक ले लो। छोटा सा बच्चा है, क्या होगा उस बेचारे का? अरे कम से कम बच्चे का तो ख्याल करना चाहिए उन्हें। सच कहते हो, झगड़ा इनका और मरण उस बेचारे का। अशु तू बैठक दो नहीं जा मम्मी के पास। सुना सुना लगता है, मैं तो नौकरानी हूँ बहन जी, मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारा जी कैसे लगता होगा? मेरा जी खूब लग रहा है, कुछ बुरा नहीं लगता मुझे। है मालिक के बिना और बच्चे के बिना? मालिक तेरे है या मेरे, बच्चा मेरा है या तेरा? मैंने तो कहा बहन जी, मालिक भी तुम्हारा और बच्चा भी तुम्हारा,
मुझे तो यूँ दुख हो रहा है कि बच्चे को 3 बरस खिलाया है मैंने, मालिक का नमक खाया है। नमक खाया तो चले गए उनके पास, याद कर रहे होंगे तुझे। मुझे याद करने वाला है मेरा मर्द, तलाक नहीं ले रही मैं उससे। मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, निकल जा मेरे घर से। निकल जा, आज 9 साल के बाद तू मुझे निकाल रही हो बहन जी। ठीक है, जो अपने मर्द को छोड़ सकती है, बच्चे को छोड़ सकती है, वो नौकरानी की क्या परवाह करेगी। जाती हूँ बहन जी, कहा सुना माफ करना। संभल के, हाँ संभल के, गिरना नहीं। शाबाश शाबाश, अभी हाथ धोलो। संभालने के लिए बस आ जाए, इसके साथ है ना। अच्छा बाबूजी, लेकिन इसमें कोई चाल तो नहीं। बाबूजी, हम गरीब है पर दगाबाज नहीं। तुम्हारी नौकरी इसलिए करने को राजी हो गई कि मैंने 3 साल इसे गोद में खिलाया है। अच्छा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इंदू या उसके बाबूजी से लेना जाए। कभी नहीं बाबूजी, मैं स्कूल में भी अकेला नहीं छोड़ने की। दौड़ मेरे साथ। ख्याल आ गया था, अब वो दोनों कभी मिल ही नहीं सकते, इसीलिए कहा करता हूँ रोहिणी, झगड़ा अच्छा नहीं होता। तो क्या मैं ही झगड़ा करती हूँ, तुम नहीं झगड़ते? ओहो, मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों को नहीं झगड़ना चाहिए। देख लो क्या अंत हुआ रवि और इंदु के झगड़े का, एक घर में दूसरा होटल में।
लेकिन हमारा झगड़ा होता है कितनी देर का है? अजी थोड़ी देर के लिए भी नहीं होना चाहिए, प्यार कम हो जाता है झगड़े से, समझती तो हो नहीं। लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होता, सच कहती हूँ। जब कभी तुम दो चार दिन के लिए बाहर जाते हो ना, तो मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ रोहिणी, लेकिन दूध में नमक डाले ही क्यों इंसान? अच्छा लो, हम कसम खाते हैं आज से झगड़ा नहीं करेंगे, तुम भी कसम खा। अच्छा लो, मैं भी कसम खाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी। सुनो, एक खुशी की बात सुनो। सुना वो दरअसल बात ये है कि बच्चे की उम्मीद है। ओफो रोहिणी, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरी फैमिली प्लानिंग की किताब है, कौन उल्लू का बच्चा पड़ेगा? ले जाओ इनको यहाँ से, आग लगा दो इनमें। रोहिणी, तुमने तो मेरे ही घर में प्लानिंग करके रख दिया। देना डिब्बे में जल्दी से। कौन मिठाई? जो सबसे अच्छी हो। एक रतल 2 रुपया 4 आना। पास नहीं आएगा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं भी माँ हूँ, क्यों नहीं आए मेरे पास? क्यों चला मुझको अकेला? मैं भी आने का जाओ। आशु, मेरी बात तो सुन बेटे। मैं आने वाला हूँ बेटा, आ तू। मैं भी आने वाला हूँ, जाओ तुम भाई जी में, चलो। आशु, कैसे समझाऊँ तुझे? चलो आशु, तारा, एक बार छाती से लगाने दे इसे। तारा, मैं इसकी माँ हूँ। आशु, आशु, मम्मी, आशु, मम्मी, ले तारा, ले जाइए इसे। ध्यान रखना, मेरी याद मत आने देना इसे। चलो आशु। तारा, आशु, बेटे तुम्हारे लिए ये डिब्बा लाई हूँ, ले लो मिठाई। आशु, उठो बेटे, देखो दिन निकल आया, चलो तैरने चलेंगे। अरे उठो ना, अच्छे बच्चे बेटे इतनी देर तक नहीं सोते, चलो शाबाश। अरे बुखार, तारा, आशु को तो बुखार चढ़ा है। बुखार?
आशु भैया, हाय राम, कितना तेज बुखार है, तुम खड़े क्या हो बाबूजी? किसी डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। डॉक्टर? अच्छा तू इसके पास बैठ, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सीरियस, लेकिन इसको नर्सिंग की पड़ी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दवाई देता हूं। चलिए। लो बेटे पियो दवाई। नहीं बेटे, शरबत है। शाबाश, झाप करो इसका। लेने आया था तारा की। ऐसी तनखा? नौकरी वो खुद छोड़ के गई है। पर 20 दिन काम करके गई है बाबूजी। गई है ना, तनखा भी गई। गई कैसे? मैं तो लेने आया हूँ अपनी घरवाली की तनखा। कैसी घरवाली? किसकी घरवाली? मैं किसी को नहीं पहचानता। अच्छा जी, पहचानते भी नहीं? ठीक है, जो अपने जवाई को भूल गया वो नौकरानी को कहाँ तक याद रखे। मंगल, लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं थे। खुद गर्जी ने तुमको अंधा कर दिया है और तुम्हें अपने पेट के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। निकल जाओ यहाँ से, नालायक, बेशर्म कहीं का। मैं बेशर्म? देख, मैं इन हाथों की कमाई खाता हूँ, बेटी की कमाई नहीं खाता। अपनी बेटी के सुख में आग नहीं लगाता, अपने हाथ से बांधे हुए बेटी के गठबंधन में तलाक की आग मैं नहीं लगाता। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जरा सोचो, क्या हक है तुम्हारे उस लड़की के ऊपर? तो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है, बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए तड़प रही है, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए ताश खेल रहे। कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा है, लेकिन औलाद का खून पीते हुए न देखा और न सुना। अरे रख ले तनखा, आज दिन तक बेटी के पैसे खाता आया, नौकरानी के भी पैसे खा ले तू। आते अरे कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा है, औलाद का खून पीते हुए न कभी देखा न कभी सुना। हुआ दौड़ रहे थे उनके पीछे, क्यों दौड़ रहे थे उनके आगे हाथ? बेटी, मुझे उसके आगे हाथ जोड़ दे जा। मैं ये भूल गया था कि मैं एक लड़की का बाप हूँ। जा, तू रवि के पास जा। कैसे भी हो से समझा बुझा कर वापस लिया। मेरा क्या है, कहीं भी चला जाऊंगा। तुम लोग आराम से अपने घर सीख। अरे अपने लिए ना सही, बच्चे के सुख के लिए मुझे भूल जाए तो मुझे भूल जाए। बाबूजी, मैं उस निर्दयी को भूल सकती हूँ, मैं आशु को भूल सकती हूँ, मैं ये भूल सकती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तुम्हें नहीं भूल सकती बाबूजी, अपने बाप को नहीं भूल सकती। मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगी। हिंदू,
क्या बताऊं रेवती बाबू, वो लोग तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। किसी तरह दोनों को एक जगह लाना चाहिए, शायद काम बन जाए। रोहिणी तुम्हारी सालगिरह मनाई जाए परसों को। बड़ा ख्याल आ गया मेरी सालगिरह का। अरे भाई तो तुम, अरे मेरी सालगिरह को अभी 2 महीने बाकी है, मेरी उम्र क्यों बढ़ाते हो, अपनी सालगिरह बना लो ना। अरे भाई मेरी सालगिरह को तो 6 महीने बाकी है। ऐसा करो मेरी सालगिरह मना लो, मेरे जन्म का तो किसी को पता नहीं, बस इतना याद है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। लेकिन बाबूजी आपकी सालगिरह में रवि कैसे आएगा? हाँ ये भी ठीक है, तो फिर ऐसा करो रवि को मेरे मरने की खबर कर दो, शायद आ जाए। बाबूजी आप दुखी ना होइए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। क्या कर लो? अब तुम्हें क्या बताऊं क्या कर लूंगा। बंद करो बंद करो, एक मिनट बंद करो। शाबाश शाबाश, अच्छा खोल। रवि आओ, रेवती भैया आओ। हेलो अंकल। हेलो भाई, क्या हुआ हमारे आशू को? बुखार आ गया इसे कल से। आ गया? कितना बुखार? अब तो ज्यादा नहीं है लेकिन रात को बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर क्या कहता है? कहता कोई घबराने की बात नहीं। तुमको क्या खबर है? खबर? हाँ भाई खबर ये है कि मैं तो तुम्हें दावत देने आया हूँ, आज रोहिणी की सालगिरह है शाम को। शाम को सालगिरह? वो बात ये यार कि वो शाम को पैदा हुई थी ना, इसलिए सालगिरह भी शाम को है और दावत भी शाम को ही है। लेकिन तुम तो देख रहे हो बच्चे की हालत, मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ यार बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चले आना, तुम्हारी भाभी ने खास तौर पे तुमको बुलाया है, यानी कि स्पेशली, और तारा जी यहाँ पर है। हाँ बाबूजी, फिकर मत कीजिए, आप चले जाइए शौक से, मैं यहीं रहूंगी रात को। अब बोलो। अच्छा भाई रेवती, आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। That's right, लेकिन देखना भाई ठीक 7 बजे। ओके। अच्छा बेटा आशु। टाटा। आशु भैया दूध पियोगे ना, थोड़ा सा पी लो ना। भैया जी, ओ भैया जी, पलट के फिर से बंधो एक तार में। जरा
के देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। बीबी के झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। ये थी पतानी अच्छी नरानी घर को बनाओ ना अखाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, छोड़ो ये गर्मी आने दो नरमी, उससे के देखे कुमार में जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इंसान और हैवान में सिर्फ धर्म का फर्क होता है। आप भी अपना धर्म भूल गए हैं बाबूजी, और आप भी अपना धर्म भूल गई। आप दोनों ने अपने अपने बारे में तो सोच लिया और उस बच्चे को बिल्कुल ही भुला दिया। हो सकता है कि आप एक दूसरे को छोड़कर सुखी हो जाए, आपको दूसरी औरत मिल जाएगी बाबूजी, और आप भी शायद दूसरा ब्याह कर लेंगी, लेकिन आंसू उस मासूम बच्चे का क्या होगा? उसको माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत है बाबूजी, आप दोनों के बगैर वो जी नहीं सकेगा। इस पर भी अगर आपको तलाक लेना है तो लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन तलाक लेने से पहले अपने हाथों से अपने आंसू का गला घोट दीजिए। बोलिए कौन घोटेगा उसका गला, आप या आप? दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किसन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का, लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं। माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। Oh,
तुमसे तो जरा प्यार बमेरो जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार बमेरो हम रो रहे हैं हंसने का अधिकार बेटी। पापा। हाँ बेटी।
मैं दोनों के पास रहूंगा। मम्मी पापा से झगड़ा मत करना और तुम्हें मत करना, नहीं करोगे ना मम्मी? तुम्हें नहीं करोगे ना?